वो क्यों नहीं आई? पता नहीं, परसों गया था, गुस्से में थी, आया गुस्से में थी, बोली नहीं। मैया तो कुछ और ही कह रही है। पता नहीं, मैंने नहीं करा, मैंने तो भाभी को। तू भी 10-15 मैंने तो कुछ भी नहीं करा, बच्चों ने गुस्से हो गए। वो झूठ बोल रही है। कह रहे हैं भाई तू जो वो कम बोला कर, ये क्या है? मैं तो ठीक ही सुनती हूँ ना, जब बुखार हुआ है तब भी तूने कलेश करा है, 1-2-3 दिन तो लगातार आ रहे, बीमार है ना? है? करा है ना? क्यों? मैं खाती सुनवाई उनकी होती है, जो नहीं भी आते तो उनकी होती है, जो सच होते हैं, सीधी सी बात है। नीचे थोड़ा साफ सफाई करनी थी, किराएदार आने थे, अगर नहीं मदद करेगी तो अकेला कहाँ तक करूँ, मेरा टाइम ट्रेन का हो रहा है, ऊपर बैठी हूँ, थोड़ा सा करनी चाहिए। ठीक है बाबू, लेकिन उसकी हालत भी तो देख लेना, प्यार से भी तो बोल सकता है ना। क्या करूँ, मेरे सीढ़ी पे दिख रहा है, तूने ऊपर वहां देखे चीखा है उसको, मेरे को तो पता। निकाल मम्मी, और जल्दी जल्दी निकाल। बच्चों को इतना, बच्चे बड़े हैं ना, उनको भी तो शिक्षा देनी चाहिए थी ना। चल को अगर वो एक बार बताओ किस तरह को देगी तो काम कौन करेगा? खाना नहीं खाओगे? भूखे रहोगे? नहीं ना, फिर ऐसी ऐसी जगह बता जहाँ पे वो कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, बच्चे शादी करता रही, बता। बच्चे तो तेरी देख रही है, घर तो तेरी देख रही है, फिर थोड़ा सा अपने आप को भी चेंज करो। ठीक है, इसके ऊपर शक्ति चल रही है, उसके लिए इसको गुरु का हाथ रखा के इसको शांति करनी पड़ेगी, तो ये भक्ता ही रहेगा वहां पर, इसके ऊपर असर चलता है, एहसास होता है कंधे भारी होते हैं, है पूजा के टाइम पे, है होता है, है? एक्साइटेड तो ओवर हो जाता है कि हाँ, मतलब चीखने लग जाओ, चिल्लाने लग जाओ, है? सड़क पे भी चलता है, चाल तेज हो जाती है इसकी, इसका ध्यान वहां चल रहा होता है, है? इसके ऊपर हाथ रखवा के शांति करवाओ, इसकी इच्छा है गुरु का हाथ रखवा के इसकी शांति करवाओ, लेकिन नॉर्मल गुरु दीक्षा होगी, खेलने वाली नहीं होगी। हाँ, क्योंकि तभी ये घर छोड़ के बाहर भागता है, उससे दूर है, अभी ब्रह्मचारी पे चल रहा है, हाँ जी, है? बात तो फिर ऐसे तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर बच्चे बच्चे क्या देखेंगे, आने वाली तुम्हें थोड़ी ना पूछेंगे फिर।